नमस्कार, अब आप देखेंगे राष्ट्रीय सूचना संस्थान जिसका नाम है सच्चाई। राष्ट्रीय सूचना संस्थान नेशनल इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट की तरफ से एक विशेष सूचना के वास्ते आप तैयार हो जाइए। एक विशेष सूचना, विशेष करके एक विशेष परिवर्तन के वास्ते, और ये परिवर्तन यानी ये वेजिंग जो लाया जा रहा है रिंगवेग पर, रिंगवेग जिनको हम बहुत अच्छी तरह से जानते और पहचानते हैं, यहाँ पर एक परिवर्तन दरअसल लाया जा रहा है। श्री हैंकवेप जो मिनिस्ट्री फॉर ओपन बारवर्क ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की तरफ से बता रहे हैं, क्योंकि ये मुखिया है फरकेर का, इनकी तरफ से दरअसल ये बताया जा रहा है कि ये परिवर्तन का होना, ये वेजिंग का आना बहुत ज़रूरी था। कारण कि ये जो रिंगवेग है इसको इन रिक्टिंग्सवेग बनाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है और इस भीड़ के वजह से ये जो फरकीर है, ये यातायात है, ये एकदम रुक जाता है। और इस रुकावट को दरअसल दूर करने के वास्ते हमें ये फैसला लेना पड़ा है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो लोग, मान लिया जाए कि आप क्वताबेग से आ रहे हैं और आप रिंगवेग की ओर जाना चाहते हैं, और रिंगवेग के द्वारा आप नॉर्थ की ओर, मान लिया जाए कि आप अंतोंद्रख्तवेग की ओर जाना चाहते हैं, तो आप जब क्वताबेग से वाशिंगटन स्ट्रैट में आते हैं तो वाशिंगटन स्ट्रैट से आप जाएंगे अमेजोन स्ट्रैट में, अमेजोन स्ट्रैट से तुरंत रिंगवेग, तो रिंगवेग नॉर्थ पकड़ करके और आपको जाना है। वहाँ पर एक रास्ता आपको मिलेगा धीरे धीरे चलाते चलाते, जिसका नाम है योहानस फर्मियर स्ट्रैट। तो योहानस फर्मियर स्ट्रैट तक इन रिक्टिंग्सवेग हो जाएगा शहर की ओर, यानी नॉर्थ की ओर जाने के वास्ते। मान लिया जाए आप वापस आते हैं, आप है अंतोंद्रख्तवेग की ओर, अंतोंद्रख्तवेग की ओर से आप आना चाहते हैं रिंगवेग द्वारा क्वताबेग में, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप रिंगवेग में आते हैं, वहाँ पर लियो हेनमन स्ट्रैट से इन रिक्टिंग्सवेग हो जाएगा कि आप रिंगवेग नॉर्थ की ओर नहीं बल्कि रिंगवेग ज़ुइड की ओर चलाएंगे, और रिंगवेग ज़ुइड को चलाते चलाते आप आएंगे ग्वारानी स्ट्रैट में, और ग्वारानी स्ट्रैट से आप आएंगे एकदम नापल स्ट्रैट के मोड़ तक। नापल स्ट्रैट से आप जा सकते हैं चाहे वाशिंगटन स्ट्रैट में, या फिर आप मुंदरवेग को चला करके और क्वताबेग में आ सकते हैं। ये एक विशेष परिवर्तन है दोस्तों, और आपको मालूम होना चाहिए कि रविवार 28 तारीख जनवरी से ये परिवर्तन एकदम काम में ला लिया जाएगा और लागू हो जाएगा। दूसरी बात ये कि यहाँ पर भी जो फरकीर्स लिख्त की काम है, ये पूरा तौर से शुरू हो जाएगा, क्योंकि 5 तारीख से लेकर के 11 तारीख फरवरी तक यहाँ पर स्टॉप लिख्त, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं, तो ये फरकीर्स लिख्त दरअसल लगाया जाएगा। फरकीर्स लिख्त लगाना और आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ऐसे लोग जो चलाते हैं तो हर एक जल्दी निकल जाना चाहते हैं, और ये फरकीर्स लिख्त के आने से आपको इसके हिसाब से दरअसल काम करना होगा, जिससे आप मुसीबतों से भी खुद बचेंगे और औरों को भी आप बचा पाएंगे। विशेष बात यह है दोस्तों कि रविवार 28 तारीख जनवरी को सिपाही भी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे, और सिपाही वहाँ पर आपको रास्ता दिखाएंगे। मान लिया जाए कि आप किसी गलत दिशा की ओर जा रहे हैं, तो सिपाही आपको बताएंगे कि किस ओर आपको चलाना है, क्योंकि अब वहाँ पर गाड़ी चलाने में किस ओर आपको जाना है ये परिवर्तित हो गया है, और इस परिवर्तन के हिसाब से आपको सिपाही बताएंगे कि किस ओर आपको चला करके और जाना है, क्योंकि वहाँ पर बोर्ड भी रखा जाएगा कि किस रास्ता से अगर आप आ रहे हैं तो आपको किस ओर जाना है। अनेक प्रकार के बोर्ड से आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। तो इस बात से आप हिसाब रखें कि जनवरी की 28 तारीख जोंदख 28 जनवरी से रिंगवेग एक इन रिक्टिंग्सवेग हो जाएगा। रिंगवेग नॉर्थ की ओर आप अगर चला रहे हैं तो आपको शहर की ओर जाना है, आप शहर से वापस आ रहे हैं तो आपको रिंगवेग ज़ुइड पकड़ करके और आना है क्वताबेग की ओर। यह था नेशनल इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट राष्ट्रीय सूचना संस्थान की तरफ से एक विशेष सूचना।